take a small pot from the cupboard. Zahid, here is the pot. Raza, fill it with water. Zahid, okay. Raza, now put this egg in the water. Be careful, it might break. Raza, now put this egg in the water. Be careful, it might break. Zahid, here you are. Now, what should I do? Raza, put it on the stove. The egg will be ready in about 10 minutes. Zahid, that was very easy. अब मैं आपको इसकी दोबारा रीड करती हूँ और उसकी मीनिंग बताती हूँ तो आपको अच्छे से इसकी मीनिंग भी आ जाएगी। जाहिद, आई वॉन्ट टू बॉयल एन एग। जाहिद, मुझे एक अंडा उबालना है। विल यू हेल्प मी रजा? रजा, क्या आप मेरी मदद करोगे? रजा, यस आई विल। हाँ, मैं करूँगा। टेक अ स्मॉल पॉट फ्रॉम द कबर्ड। अलमारी से एक छोटा बर्तन लो। जाहिद, हियर इज द पॉट। ये रहा बर्तन। रजा, फिल इट विथ वाटर। इसको पानी से भरो। जाहिद, ओके ठीक है। रजा, नाउ पुट दिस एग इन द वाटर। अब इस अंडे को पानी के अंदर डालो। बी केयरफुल, ख्याल रहे, इट माइट ब्रेक, ये टूट सकता है। जाहिद, हियर यू आर। नाउ व्हाट शुड आई डू? जाहिद, अब मुझे क्या करना चाहिए? रजा, पुट इट ऑन द स्टोव। अब इस बर्तन को चूल्हे पर रखो। द एग विल बी रेडी इन अबाउट 10 मिनट्स। ये अंडा 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। जाहिद, दैट वॉज वेरी इजी। ये तो बहुत आसान है। अब आपने डायलॉग सुने, जाहिद और रजा की क्या आपस में ओरल कम्युनिकेशन हुई, क्या उनकी बातचीत हुई। आप इस पूरे पैराग्राफ को रीड करें घर पर, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमारे स्कूल का एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर पूछ सकते हैं, और अपनी कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप इस पर दे सकते हैं। थैंक यू।